हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं भी दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे विदाउट एनी चार्जेस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिलहाल के अगर सिचुएशन की बात करें तो इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों को पैसे से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आ रही। वैसे में बहुत से लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि बाबा आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र करके फ्री में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और विद इन मतलब 30 से 40 दिन के अंदर वो पैसे अरेंज करके क्रेडिट कार्ड को आप वापस कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को यहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र करके मैं लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहूँगा कि इसका लिमिट हर महीने में ओनली 10,000 रुपये तक आप यहाँ पे इस ट्रिक का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम 10,000 रुपये तक आप फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर पेड वाले ट्रिक्स चाहिए तो वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें फ्री की, तो फ्री में हम 10,000 रुपये तक पैसे किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, यही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल अकाउंट स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा प्ले स्टोर में और माई जियो एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर हमने ओपन कर लिया, ऊपर में हम सर्च कर लेते हैं माई जियो, या फिर आप जियो भी सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे माई जियो वाला। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। अपडेट कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, अपडेट होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली इंस्टॉल होने के बाद हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करना है यहाँ पे आपको जियो के रजिस्टर मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ऊपर में आप लोगों को 3 लाइन वाला एक ऑप्शन मिलता है, उस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सेटिंग वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को जियो पे वॉलेट्स का ऑप्शन मिलता है, तो इस पे आप लोगों को टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग वॉलेट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पेटीएम वॉलेट को यहाँ पे लिंक करना है। तो यहाँ पे पेटीएम वॉलेट आपका फुल केवाईसी होना चाहिए। पेटीएम का यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है और सिंपली सबमिट करना है। जो नंबर आपका पेटीएम का उस नंबर पे आप लोगों को ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे हम डालेंगे यहाँ पे ये वॉलेट लिंक हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे वेट करते हैं पेटीएम का। तो यहाँ पे पेटीएम से ओटीपी हमें मिल गया, ओटीपी फटाफट से एंटर कर लेते हैं 600555 600555 और सिंपली वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पे हमारा पेटीएम वॉलेट यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम का बैलेंस यहाँ पे 00 शो हो रहा है। तो यहीं से हम ऐड मनी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप ओके करोगे तो ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली 10,000 रुपये तक आप महीने में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट इस क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 1,000 रुपये ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 1,000 रुपये हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं, सिंपली आप क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे पेटीएम के साथ लिंक आपके क्रेडिट कार्ड आएंगे, या तो आप क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं मेरा एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा एक्सिस बैंक का, और उसका CVV यहाँ पे एंटर कर लूँगा। CVV एंटर कर लिया, सिंपली पे वाला जो ऑप्शन है Pay 1000 उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो हम उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, जो बैंक के साथ रजिस्टर है उस मोबाइल पे OTP आ जाएगा। OTP हमें यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो OTP आ गया एक्सिस बैंक की तरफ से, OTP हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर कर लिया है, सिंपली सबमिट कर पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है डिटेल्स करके समझ में नहीं आया, इसके ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर से वॉलेट में जाके देखते हैं कि मनी ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वॉलेट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पेटीएम वॉलेट में 1,000 रुपये एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऐड हो चुके सक्सेसफुली। तो इसी पैसे को हम विदाउट एनी चार्जेस बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको वॉलेट में ऐड करने के लिए जो चार्जेस लग रहे थे वो चार्जेस यहाँ पे नहीं लगे। हम पेटीएम वॉलेट में वापस से जाते, यहाँ पे पासबुक में जाके मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि एक्चुअल में ये हमने हमारे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से ये मैंने ऐड किया। वहाँ पे डेट भी देख लीजिए, हमने सेम डे में ये सारा प्रोसेस कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो 1,000 रुपये हमारे पेटीएम वॉलेट में आ गए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से हमने यहाँ पे ऐड किए करके यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली हमारे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे पैसा आ गए। तो सिंपली हम इसी पैसे को वॉलेट टू बैंक करते हैं। तो यहाँ पे टाइम भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे अमाउंट एंटर कर लेंगे, जो भी अमाउंट हमें एंटर करना है। तो 10,000 रुपये तक यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, आपका बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मेरा ऐड है तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा। सिंपली हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे।
जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे विद इन कुछ सेकंड में ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बैक टू होम स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स में 1000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में चले गए SBI अकाउंट में। तो यहाँ पे साइड में मैं स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा, 1000 रुपये यहाँ पे पेटीएम की तरफ से हमें रिसीव हो गए। सेम डेट आप देख सकते हो, 14 मई को मैंने वीडियो बनाया था, 14 मई को हमने प्रोसेस किया था। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।